ये देखो कैसे, देखो कैसे चिपक जाते हैं। जी भैया, फिर देखो करके दिखाते हैं, बालों पे ऐसे लगाया, बालों पे लगाने के बाद जब इसको पास लाया, ये देखो कैसे। अरे भैया, ये तो बिल्कुल चुंबक की तरह काम कर रहा देखो, है। चुंबक की तरह ये कागज के टुकड़े छोटे छोटे जो हैं उछल के गुब्बारे से चिपक जाते हैं। ये जैसे पास लाते हैं, ये देखो देखो जी चिपक गया ना, भैया। चिपक गया ना। जी भैया, ठीक है। जब हम बालों से लगाएंगे इसको अच्छी तरह से करके और फिर पास लाएंगे तो ये देखो कैसे चिपक गए, देख रहा। जी भैया, आप बताओ ये कैसे होता होगा, बता सकते हो तुम्हें कैसे होता होगा? नहीं भैया। अच्छा देखो, ये द्रव्य का एक गुण होता है, द्रव यानी कि मैटर। मैटर जो होता है वो तीन तरह का होता है, जैसा कि तुम लोग जानते हो। एक होता है सॉलिड यानी कि ठोस, और दूसरा होता है लिक्विड यानी कि द्रव, और तीसरा गैस है। तो ये तीन मैटर की जो है स्थितियां हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि ठोस, फिर द्रव और तीसरा गैस। और जो जो द्रव्य होता है इसके जो अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बनता है। जी भैया, जैसे कि इसमें हम तुम्हें दिखाए हैं कि परमाणुओं के ठीक भीतर जो होता है वो धनात्मक आवेश होता है, और उसके आसपास जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो जी मैं करके दिखाता हूँ। तो भीतर धनात्मक आवेश है, आसपास जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन वो ऋणात्मक आवेश वाले हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था, इसमें जब हमने फूला गुब्बारा इसके पास तक लाए तो हमने क्या किया था, इससे पहले गुब्बारे को अपने बालों से रगड़ा था। तो हर द्रव के जो जो छोटे छोटे परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है, तो हर परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में होते हैं। अच्छा, तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि जो जो विभिन्न आवेश हैं, जैसे ये भिन्न आवेश, यहाँ हम लेते हैं धनात्मक आवेश वाली चीज, यहाँ हम लेते हैं ऋणात्मक आवेश वाली चीज, तो ये क्या करेंगी, आपस में टकराएंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। लेकिन अगर दोनों तरफ एक ही जैसा आवेश है, अगर हम इधर भी धनात्मक आवेश वाली कोई वस्तु लेते हैं, इधर भी हम धनात्मक आवेश वाली वस्तु लेते हैं, तो दूर भागेंगे, तो दूर भागेंगे। इसी तरह ऋणात्मक आवेश का, यहाँ पे हम ऋणात्मक आवेश वाली कोई चीज लेते हैं, तो यहाँ भी ऋणात्मक आवेश वाला कोई वस्तु है तो ये भी दूर भागेंगी। यानी कि आकर्षण कब हो रहा है, जब दोनों तरफ अलग अलग आवेश होते हैं। तो होता क्या है, जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं, फुला के अपने बालों से रगड़ते हैं, तो होता क्या है, अब तक क्या था, फुलाने से पर और बालों से रगड़ने से पहले दोनों में आवेश बराबर था, यानी कि कागज के टुकड़ों पर जो आवेश था वही बालों इस पे भी आवेश था। लेकिन जब हम गुब्बारे को बालों से रगड़ते हैं तो बालों में जो कुछ लूज इलेक्ट्रॉन है, जो यानी कि ढीले इलेक्ट्रॉन है, जो जैसे इसमें तुमने देखा था जो बाहरी कक्षा में घुमा करते हैं, ये ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन इस गुब्बारे से चिपक जाते हैं। अब हुआ क्या, इस पे जब चिपके इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाले, तो यहाँ पे ऋणात्मक आवेश ज्यादा हो गया और यहाँ पे उस हिसाब से धनात्मक आवेश है। तो अब क्या हुआ, बिल्कुल विपरीत आवेश की चीजें होंगे ना, कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश की हो गई और ये हो गई हमारी धनात्मक आवेश वाली। तो जब इसको हम पास लाते हैं तो ये आकर्षित कर लेता है। अच्छा तुम एक गुब्बारा लो, गुब्बारा फुलाओ और करके देखो। हाँ, देखो इसने गुब्बारा फुलाया ना, गुब्बारा अच्छी तरह फुला लिया, आप बालों से रगड़ो, अब देखो ये देखो। अरे भैया, ये तो बिल्कुल इसमें चिपक गया। हाँ ये देखो, ये चिपक गया ना। जी भैया, देखा। अच्छा तुम करके देखो, इसमें यही होता है कि जो ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन है वो बालों से निकल कर गुब्बारे में आ जाते हैं। बालों से रगड़ो। हाँ, ए पास लाओ थोड़ा और, देखो देखा चिपक रहे हैं। जी भैया, देखो चिपक रहे, और रगड़ो अच्छी तरह। हाँ, अब लाओ, ये देखो चिपक गए, देखा भैया, ये तो बहुत तेजी से चिपक गए। हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण के इतना इसमें बल होता है कि गुरुत्वाकर्षण के बल से भी ज्यादा बल होता है, तब ये उछल के गुब्बारे से चिपक जाते हैं। यानी कि अब हम इसको हम इस तरह से देखें तो यानी कि परमाणु के भीतर क्या हुआ, धनात्मक आवेश होता है, वह इसके आसपास ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन निकल के बालों से गुब्बारे में चिपक गए, और यहाँ पे गुब्बारे पर हो गया हमारे पास ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश हो गया, और इधर था धनात्मक आवेश, तो विपरीत आवेश हो गए, तो एक दूसरे को उन्होंने आकर्षित कर लिया। तो द्रव्य का एक गुण तो तुम लोगों को समझ में आ गया ना। जी भैया। अच्छा अब ये देखो, हम तुमको एक चीज दिखाते हैं, और वो है ये देखो, इस गिलास में हमने एक पानी लिया, किस रंग का पानी है, ये नीला, नीला पानी है ना। जी भैया। तो एक पदार्थ का और गुण होता है जिसको कहते हैं विसरण का गुण, विसरण का गुण, कि पदार्थ जो होता है, मैटर जो होता है, इसके जो अणु होते हैं, चाहे वो ठोस हो
चाहे वो द्रव हो चाहे गैस हो, इसके जो अणु होते हैं वो लगातार कंपन करते रहते हैं। कोई भी चीज, ये ठोस चीज है, इसको हम लें, ये भी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है ना, तो इसके जितने भी छोटे छोटे अणु होंगे सब आपस में धीमे 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 कंपन करते रहते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि जैसे ये द्रव है यानी कि पानी, इसके अंदर जो अणु होंगे ये कंपन नहीं करते हैं, ये थोड़ा दूर दूर तक भी जा सकते हैं। अगर हम गर्म करेंगे तो ऊपर तक भी आ सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, और ऐसा करने में कि आसपास के जो द्रव के अणु होते हैं ना, जो आसपास के जो अणु होते हैं उनको थोड़ा धक्का भी मारते हैं, और गैस जो होती है उसके अणु तो और दूर दूर तक जा सकते हैं। तो हमने क्या किया था, कुछ नहीं, इसमें हमने सिर्फ एक छोटी सी एक जो स्याही की गोली है वो डाल दी थी थोड़ी देर पहले, और कुछ देर में देखो पूरा पानी रंगीन हो गया। हमने कुछ भी नहीं किया था जी भैया, सिर्फ एक गोली डाली थी, क्या किया था, एक गोली डाली थी और ये गोली जो है पूरी रंगीन हो गई, और जो पानी है ये पूरा रंगीन हो गया है। अब ये कैसे हुआ होगा, देखो बताओ कैसे हुआ होगा, ये बता सकते हो? नहीं भैया। देखो अब इस प्याली में हम पानी लेते हैं, हैं? जी भैया। इस प्याली हमने ये पानी ले लिया, और ये देखो ये हमारे पास थोड़ी सी स्याही की गोली है, जिसे स्याही तुम लोग घर में बनाते हो ना जी भैया, ये स्याही की गोली है। तो एक गोली हम क्या करेंगे, निकाल के हम इसके अंदर डालेंगे पानी के अंदर, देखते हैं फिर क्या होता है। वो एक गोली बस लेते हैं हम, और इसके ठीक बीचों बीच हम डालते हैं, ये देखो जब गोली को हम बीचों बीच ठीक डाल देते हैं तो थोड़ी ही देर बाद तुम लोगों को नजर आएगा कि गोली में से जो जो रंगीन रंग है वो धीमे 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 आस पास देखो फैलने लगा। जी भैया, देख रहे हो कितने धीमे धीमे रंग फैल रहा। जी भैया। अब ये तुम लोग बताओ मुझको कि जब ये रंग ऐसे फैलता है धीमे धीमे तो पूरा पानी कैसे रंगीन कर देता है, ये बता पाओगे तुम लोग? नहीं भैया। अच्छा देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो ये अणु है, जो द्रव के अणु है, ये एक दूसरे को धक्का मारते हुए काफी उनमें गति होती है, हैं? तो होता क्या है कि जब इस तरह से जब देखो रंगीन ये स्याही के अणु बाहर आ रहे हैं ना जी भैया, तो जब स्याही के अणु धीमे धीमे बाहर आते हैं तो ये पानी के जो गतिमान अणु है उसे टकरा जाते हैं, तो जब टकराते हैं तो ये रंगीन अणु है स्याही के उनमें भी और गति आ जाती है, वो इधर से उधर उधर से इधर भागने लग जाते हैं। तो ये जो फैल रहा है ये स्याही का रंग, ये इसीलिए फैल रहा है, ये रंगीन अणु है, और पानी के अणु से जब ये टकराते हैं तो इस धक्के से ये और दूर तक चले जाते हैं, फैलने के बाद बहुत तेजी से चलने लग रहा है। हाँ देख रहा हूँ, चलेगा ना, और इसी तरह धीमे धीमे लगातार ये जो पानी के अणु है वो स्याही के अणु से टकरा रहे हैं, और धीमे 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 क्या करते हैं, उनको स्याही के अणुओं को पूरे पानी में फैला देते हैं, और इस तरह से पूरा पानी नीला हो जाता है। देखा तुम लोगों ने? जी भैया। जैसे इस प्याली में हमने ये स्याही डाली, अब तुम कुछ देर इसको रखे रहो, कुछ घंटे रखे रहो तो पूरा पानी रंगीन हो जाएगा। इसमें हमने कुछ भी छेड़खानी नहीं की है, कुछ भी हमने हिलाया नहीं है इसको, तो अभी देखो धीमे धीमे इसमें रंग फैल रहा है। ये कैसे फैल रहा है, वही जो पानी के अणु है वो धक्का मार रहे हैं इसको, गतिमान होते हैं पानी के अणु, वही इस स्याही के अणु को धक्का मार मार के दूर तक पहुंचा रहे हैं, देख रहे हो। तो इसको विसरण भी कहते हैं, विसरण। तो पदार्थ के आज दो गुणों को तुम लोगों ने समझा, ठीक है। एक कौन सा था, एक था कि जो पदार्थ के अणु होते हैं और परमाणु होते हैं इनमें आवेश होता है, और दूसरा ये कि अणु और परमाणु इनमें जो होती है गति होती है, और एक दूसरे गति इसमें, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अणु परमाणु मिलकर इससे मिलकर द्रव्य बनता है, वो सभी अणु एवं परमाणु निरंतर गतिमान रहते हैं, और गति को दिखाने के लिए ये प्रयोग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ भी हमने नहीं किया लेकिन धीमे धीमे पानी एकदम रंगीन होता चला जा रहा है। तो ये दो गुण द्रव के होते हैं। तो अगली बार जब हम आएंगे तो इसी तरह के और तुमको मैं द्रव के बढ़िया गुण बताऊंगा, ठीक है जी भैया। तो लेकिन इन दोनों जो मैंने तुमको दिखाए हैं प्रयोग, इनको तुम अपनी कॉपी पे जरूर उतार लेना, ठीक है जी भैया।